नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सरनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं देश। केंद्र की मोदी सरकार के दबाव में राहुल गांधी के विरुद्ध ईडी की कार्रवाई के विरुद्ध दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पहुंच सांसद नीरज डांगी की अगुवाई में आबू रोड के कांग्रेस पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोशी ने बताया कि आबू रोड पंचायत समिति के उपप्रधान ललित सिंह साखला के सानिध्य में आबू रोड नगर पालिका पार्षद सुनील खोत, दिनेश मेघवाल, सुमित जोशी, सेवा दल अध्यक्ष सुरेंद्र छावरा, पूर्व पार्षद असलम मोहम्मद, अल्पसंख्यक कांग्रेस जिला अध्यक्ष वजीर पठान, यूथ कांग्रेस के निखिल जोशी, हैदर पठान और पालिका के पूर्व नेता विपक्ष जेपी सिंह, अध्यक्ष अमित जोशी, आईटी सेल के जितेंद्र मारू ने कांग्रेस कार्यालय पर चल रहे प्रदर्शन में भाग लेकर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित करने की नीति के अनुसरण में ईडी द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही कार्यवाही का विरोध जताया। नगर अध्यक्ष अमित जोशी, आबू रोड पंचायत समिति के उपप्रधान ललित सिंह साखला ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग को देश के लिए खतरे की चेतावनी बताया और कहा कि मोदी सरकार यह सब बेरोजगारी, महंगाई और चरमराती अर्थव्यवस्था से देशवासियों का ध्यान हटाने के लिए कर रही है।